अर्थ सोम के विषय में प्रेम रखने वाले, यज्ञ करने वाले याजक ज्ञानी जन यज्ञ के प्रमुख भाग में बैठते हैं तथा यज्ञ करते हैं। सोम याग में प्रेम करने वाले यज्ञकर्ता ऋत्विज यज्ञ स्थान के प्रमुख भाग में बैठते हैं तथा यज्ञ करते हैं। अर्थ अपना रक्षण करने की कामना रखने वाले ज्ञानी लोग बुद्धि युक्त किए कार्यों से उस तुझ अन्नमान सोम को यज्ञ के लिए पवित्र करते हैं। अपनी सुरक्षा करने वाले ज्ञानी नेतागण अपनी बुद्धि द्वारा कहे स्तोत्रों से सोम रस को ही यज्ञ करने के लिए पवित्र करते हैं तथा बाद में उससे यज्ञ करते हैं। अर्थ हे सोम, मीठे रस की धारा के रूप में पात्र में गिरता रह, तीव्रता से छानने के स्थान में बैठ, गमनशील तू यज्ञ के लिए और देवों को पीने के लिए तैयार हो जाओ। अष्टादशम सूक्तम। अर्थ यह सोम छाननी में से गिरता है, रस निकाल कर देने वाला तू पहाड़ पर रहने वाला हो, आनंद देने वालों में सबसे अधिक तू है। सोम रस छाननी में से शुद्ध होकर नीचे पात्र में गिरता है, यह सोम पहाड़ के ऊपर से लाया है, यह सोम आनंद देने वाले पदार्थों में अधिक आनंद देने वाला है। अर्थ तू ज्ञानी है, तू कवि है, अतः तू अन्न से उत्पन्न होने वाला मीठा रस देता है, अतः तू आनंद देने वालों में प्रमुख है। अर्थ सब प्रीति करने वाले देव तेरा पान करते हैं, आनंद देने वाले पदार्थ में तू अधिक आनंद देने वाला है। अर्थ जो सोम सभी उत्कृष्ट धन भक्तों के हाथों में देता है, वह तू आनंद देने वालों में विशेष आनंद देने वाला हो। अर्थ जो सोम इन दोनों द्यू एवं पृथ्वी का माताओं की भांति दोहन करता है, इनका सत्य ग्रहण करता है, वह सोम आनंद देने वालों में से विशेष आनंद देने वाला है। सोम में बहुत मीठा रस रहता है, अतः वह सब आनंद देने वाले पदार्थों में अधिक आनंद देता है। अर्थ जो दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी लोक की अन्नों से तुरंत उत्तम सेवा करता है, अतः वह आनंद देने वालों में श्रेष्ठ है। अर्थ जो सोम बल को बढ़ाने वाला है, वह कलशों में शुद्ध करने के समय आ शब्द करता हुआ प्रवेश करता है, वह आनंद देने वाले पदार्थों में अधिक आनंद देने वाला है। एकोन विषम सुक्तम। अर्थ हे सोम, जो चित्त को आकर्षित करने वाला दिव्य और पार्थिव धन है, वह सब धन पवित्र होकर हमें भरपूर दे, हमें ऐसा धन प्राप्त हो जो द्युलोक एवं पृथ्वी पर प्रशंसनीय समझा जाता है। अर्थ हे सोम, तू तथा इंद्र ये दोनों तुम सबके स्वामी हो और गौवों के पालन करने वाले हो, तुम दोनों सबके स्वामी हो, अतः हमारे बुद्धिपूर्वक किए कार्यों का पोषण करो। अर्थ कामनाओं को पूरा करने वाला यज्ञ करने वाले ऋतिजों में छाना जाने के समय शब्द करता हुआ आसन के ऊपर हरे रंग का अपने स्थान में बैठता है। अर्थ जिस प्रकार माताएं प्रिय पुत्र की कामना करती हैं, उस प्रकार यज्ञ पात्र यज्ञ स्थान में बलवर्धक सोम की इच्छा करती है। अर्थ सोम की कामना करने वाले जलों से पवित्र होने वाला सोम जलों के गर्भ के स्थान में रहता है, बहुत रीति से शुद्ध पानी सोम में मिलाने के लिए देता है। अर्थ हे सोम, तू हमारे से दूर रहने वाले मित्रों को हमारे पास ले आओ, हमारे शत्रुओं में भय उत्पन्न कर तथा धन हमें देओ। अर्थ हे सोम, तू शत्रु का सामर्थ्य नष्ट कर, शत्रु का तेज नष्ट कर, शत्रु का अन्न नष्ट कर, जो शत्रु दूर रहे वा पास रहे, शत्रु दूर हो अथवा समीप, उसका सब प्रकार सामर्थ्य नष्ट हो जाए। विषम सुक्तम। अर्थ ज्ञानी सोम देवों को पीने के लिए मेढ़ी के बालों की छाननी से नीचे उतरता है, छाननी में से छाना जाता है, सब शत्रुओं को पराजित करता है, सोम रस छाना जाता है, इस प्रकार छानने से वह शुद्ध होता है तथा पीने के योग्य होता है। अर्थ वह सोम शुद्ध होने पर स्तोताओं के लिए सहस्त्रों प्रकार का गौ दूध युक्त अन्न देता है। अर्थ हे सोम, तू अनुकूल बुद्धि से सब प्रकार के धन देता है, स्तुति सुनकर रस देता है, वह तू हमारे लिए अन्न दो,
अर्थ बड़ा यश हमें प्राप्त कराओ, धनवानों को स्थिर रहने वाला धन देओ, स्तोताओं को भरपूर अन्न दो। अर्थ हे सोम, श्रेष्ठ व्रत करने वाला, शुद्ध होने वाला तू स्तुतियों को प्राप्त करता है। हे तेजस्वी सोम, अद्भुत प्रशंसनीय है। अर्थ वह सोम यज्ञों का वहन करता है, वह अंतरिक्ष के जल स्थान में रहता है तथा अन्य शत्रुओं से पार करने के लिए अशक्य है, दोनों हाथों से पवित्र किया जाता है। ऐसा वह सोम सोम पात्रों में रहता है। सोम पानी में मिलाकर हाथों द्वारा पकड़कर शुद्ध किया जाता है तथा पात्रों में भरा जाता है और पात्रों में रखा जाता है। अर्थ हे सोम, तू क्रीड़ा करने में समर्थ तथा दान देने की कामना करने वाला यज्ञ में दान की भांति छाननी में जाता है तथा स्तुति करने वाले के लिए उत्तम बल देता है। एक विंशम सुक्तम। अर्थ ये सोम रस तेजस्वी, युद्ध करने की प्रेरणा देने वाले, आनंद बढ़ाने वाला तथा ज्ञान देने वाले इंद्र के पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं। सोम रस तेजस्वी हैं, युद्ध करने का सामर्थ्य बढ़ाते हैं, आनंद बढ़ाते हैं, सत्य ज्ञान बढ़ाते हैं, ये इंद्र को पीने के लिए दिए जाते हैं। अर्थ विशेष रीति से सहाय करने वाले, नाना प्रकार से उपयोगी, रस निकालने वाले को धन देने वाला, स्तुति करने वाले के लिए स्वयं अन्न देने वाले ये सोम हैं। अर्थ सरल खेलते हुए से ये सोम रस एक पात्र में नदी के जल में गिरते हैं। ये सोम रस सरल रीति से एक पात्र में रहे नदी के पानी में मिलाए जाते हैं। पात्र में नदी का पानी रहता है, उस पानी में सोम रस मिलाया जाता है। अर्थ ये सोम रस शुद्ध होते हुए सब स्वीकार करने योग्य धन प्राप्त करते हैं। अर्थ हे सोम, इस यजमान में नाना प्रकार का धन दान देने के लिए देकर रखो, जो यजमान हम सबको उस धन का दान करता है। यजमान के पास यथेष्ट धन हो, जिस धन का दान यह यजमान यज्ञ में कर सके। अर्थ तेजस्वी स्वामी जैसा नए रथ चलाने वाले को रथ चलाने के कार्य में लगाता है, उस प्रकार ज्ञान हमारे में रखो तथा शुद्ध सोम जल के साथ शुद्ध होकर चलें। अर्थ वे सोम यज्ञ की कामना करते हैं, बलशाली वे सोम अपने स्थान पर यज्ञ में गए तथा यजमान की बुद्धि को यज्ञ करने की उन्हें प्रेरणा दी। द्वाविंशम सुक्तम। अर्थ ये सोम रस निकाले जल्दी से छाननी से नीचे उतरते हुए शब्द करते हैं, रथों की भांति या घोड़ों की भांति शब्द करते हैं, रथ चलने के समय शब्द करते हैं और घोड़े शब्द करते हैं। उस प्रकार ये सोम रस निकाल कर छाननी में से छाने जाने के समय शब्द करते हुए नीचे रखे पात्र में उतरते हैं। अर्थ ये सोमरस वायु की भांति बहुत जोर से जाते हैं, परजन्य की वृष्टि की भांति और अग्नि की ज्वालाएं जैसी तेजी से चलती हैं वैसे चलते हैं। सोमरस छाननी से वैसे जोर से नीचे के पात्र में गिरते हैं जैसे वायु वेग से चलते हैं, वृष्टि जैसी होती है और अग्नि की ज्वालाएं चलती हैं। अर्थ ये सोमरस शुद्ध हुए ज्ञान देने वाले दही के साथ मिश्रित किए गए हैं, ये विशेष ज्ञान से युक्त होकर बुद्धिपूर्वक किए यज्ञ कार्य में आते हैं। सोमरस छान कर शुद्ध होने पर दही के साथ मिलाए जाते हैं तथा उनका यज्ञ कार्य में विनियोग किया जाता है। अर्थ ये सोमरस छाने जाकर शुद्ध होने पर अमर देवों के समान छाननी से नीचे के पात्र में उतरते हैं। इस समय वे सोमरस अपने मार्गों तथा स्थानों को जाने की कामना करते हैं, पर वे शांत नहीं होते। अर्थ ये सोमरस द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के पृष्ठ भागों पर विभिन्न प्रकार से जाते हैं तथा सब स्थानों पर फैलते हैं और इस उत्तम द्युलोक में भी फैलते हैं। सोमरस भूमि, अंतरिक्ष एवं द्युलोक में फैलते हैं तथा वहां प्राप्त होते हैं। सोम रसों का प्रभाव तीनों लोकों